हेलो एवरीवन नमस्ते एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू आर न्यू वीडियो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया द मार्केट रेगुलेटर दे हैव गिवन अ गाइडलाइन ऑन एलेवेन्थ सेप्टेम्बर स्टेटिंग दैट द मल्टी कैप म्यूचुअल फ़ंड्स अब ये गाइडलाइन बहुत सिंपल है ज़रा ध्यान से सुनिए गाइडलाइन ये है मल्टी कैप म्यूचुअल फ़ंड्स को लार्ज कैप स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी इक्वल वेटेज रख के इन्वेस्ट करना है द सोर्स ऑफ दिस स्लाइड इज़ फिन मीडियम डॉट कॉम ब्रिलियंट स्लाइड वेरी वेल मेड बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है एंड uh, एक और सोर्स जो यहाँ नीचे इनका है इन्वेस्ट यदि डॉट इन ये दोनों सोर्सेज से ये स्लाइड हमें मिला एंड आई थॉट बहुत अच्छे से इन्होंने एक स्लाइड में दिखाया है कि अक्टूबर 2017 का जो सर्कुलर है सेबी का दैट सर्क्यूल सेज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो मल्टी कैप फंडस अब मल्टी कैप सारे फंड्स नहीं होते हैं मल्टी कैप में लार्ज मिड एंड स्मॉल का एक कॉम्बिनेशन होता है म्यूचुअल फंड जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें स्मॉल कैप्स मिड कैप्स स्पेसिफिक फ़ंड्स होते हैं फार्मा फंड्स होते हैं जैसे एस बी आई का एक फ़ंड है एस बी आई फारमा फंड सो उसमें टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स भी थे सो so, फंडस बहुत टाइप के होते हैं बट मल्टी कैप फंड्स uh, में द रूल इज़ कि पहले जो 65 परसेंट था मिनिमम इक्वि सिक्सटी फाइव का था वो अब 75 हो गया है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 75 परसेंट फंड को करना ही पड़ेगा और पहले देर वज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कि आप मतलब uh, वो 65 परसेंट में से आप कितने भी लार्ज कैप्स उठा लो कितने मिड कैप और स्मॉल कैप उठा लो सो so, अक्सर होता क्या था

और हमें लगता है कि अगर ये इक्वल इक्वली डिवाइड किया है 25 25 25 फाइव ट्वेंटी सो इसमें हर अच्छी कंपनी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है अ कंपनी गेट्स अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उसी बहाने एक छोटी कंपनी के बारे में भी फंड हाउसेस ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में लिखने लगेंगे दो चार इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट उस उसके बारे में आर्टिकल लिखेंगे एंड दिस इज़ हाउ वैल्यू गेट्स अनलॉकड इन द स्मॉलर कंपनीज सो so, ये रूल बहुत ही लेजिट है नाउ देर इज़ सम कन्फ्यूजन इन द मार्केट कि ये रूल आया अब क्या लार्ज कैप स्टॉक्स गिर जाएंगे देखिए वी एट द प्रॉफिट कर्व विद स्टैंडर्ड डिस्कलेमर ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब ओला और ऊबर आए थे मार्केट में तो हमको लगा था काली पीली टैक्सीज बंद हो जाएगी रिक्शा बंद हो जाएगी सब ओला ऊबर करेंगे क्या हुआ ओला और ऊबर कम हो रहे हैं काली पीली उतनी की उतनी ही है थोड़ी कम हुई है रिक्शाज भी हैं बट वी आर ऑल को एग्जिस्टिंग राइट इंडिया में जब एक न्यू चीज़ आती है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पुरानी चीज़ें आउट ऑफ फ्लेवर हो गई जब मॉल्स आए थे तो लोग बोलते थे किराना स्टोर बंद हो जाएंगे बट किरानाज खड़े रह गए और मॉल्स बंद हो रहे हैं सो दिस इज द दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर कंट्री देर आर सर्टन सेक्टर्स वेर ऑल द जितना ज़्यादा अनलॉकिंग होता है उतना को एग्जिस्टेंस बढ़ता है लार्ज कैप्स मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स सारे कंपनीज में इक्वल अनलॉकिंग के चांसेस हैं सो कंफ्यूज होने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर अ नॉर्मल इन्वेस्टर आपके लार्ज कैप्स एकदम uh, सुरक्षित हैं अफकोर्स दे आर लार्ज कैप्स मतलब ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ से ऊपर की उनकी मार्केट कैप है तो वो कंपनीज बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं दे विल नॉट फॉल लेकिन हैविंग सेट दैट वी फील दैट मार्केट में थोड़ा करेक्शन थोड़ा खलबली मच सकती है विच इज़ वी हैव बिन शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप कि ये हर सेप्टेंबर का स्क्रिप्ट है एवरी ईयर इन सेप्टेंबर समथिंग लाइक दिस हैपन्स इन द मार्केट एटलीस्ट टिल थर्ड वीक ऑफ सेप्टेंबर थोड़ा वॉलीटेलिटी बनता है लेकिन कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव रूल अच्छा सेबी ने ये कभी नहीं कहा है कि आप अपने लार्ज कैप सेल करो यानी म्यूचुअल फंड हाउसेज को दे हैव नेवर टोल्ड देम टू सेल इट ऑफ आई शो यू वॉट देव डन इज उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताया है so if you read this uh, news which came on moneycontrol.com uh, the source sebi says mutual funds can merge multi cap schemes मल्टी reposition under different category obviously अंडर ऑब्वियसली अगर आपकी मल्टी कैप स्कीम है आप लार्ज कैप्स में हैविली इन्वेस्टेड हो और आपका अच्छा पोजिशन है आपको सेल नहीं करना है तो आपके पास दूसरे भी तरीके हैं मैंने कहा ना द मार्केट विल नेवर रिएक्ट टू अपल इफेक्ट कि ये चीज़ हुई तो वो चीज़ हो जाएगी सी द रेगुलेटर इज सो अप फ्रंट दे क्लैरिफाइड दैट री बैलेंसिंग पोर्टफोलियोज इज नॉट द ओनली ऑप्शन देर आर मोर ऑप्शंस तो फंड मैनेजर्स बिल्कुल चिंता में नहीं है आई थिंक शेयर होल्डर्स को भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए गाइज बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट सेबी हैज़ अलाउड एंड हमें लगता है कि ये जो भी है ये फ्यूचर में अच्छा ही होगा स्मॉल एंड मिड कैप्स में बहुत कंपनीज है गाइज जिसमें वैल्यू अनलॉक हो सकती है एंड वी नीड दीज काइंड ऑफ कंपनीज टू कम इन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज जब भर भर के उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तब आपको उसमें वैल्यू मिलेगी uh, इस वीडियो को इतना अच्छे से सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंजल ब्रोकिंग में फ्री डी अकाउंट खोलने के लिए अब गुड गिफ्ट फॉर यू लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने आप को एक फ्री डी अकाउंट विथ ओनली ट्वेंटी रुपीज़ ऑफ इंट्रा डे ब्रोकरेज एंड फ्री डिलीवरी नो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी का गिफ्ट दीजिए आई एल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो